क्वेश्चन 7 देखिए कि सोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी, के नीचे में दिया हुआ है एक सेंटर है सर्कल का जिसका सेंटर जो है ना पी है। ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, और सारे लेंथ जो है ना यहाँ पे मेजर्ड है सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, पी क्यू जो दिया हुआ है ये जो है 6 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है ठीक है ना, आर का है 6 सेंटीमीटर लंबा है। और हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो पी ई का लेंथ है ये कितना होगा और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसी को पूछा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल देख लीजिए, एक ट्रायंगल है ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है और दूसरा ट्रायंगल जो है ना ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ठीक है। इसको चलिए पॉइंट ले लीजिए, ये वाई है मान लीजिए, ये वाई है और ये क्या है आपका पॉइंट जेड है ठीक है। अब इसको हम बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कि पी वाई अपान पी जेड है ना। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं और सिमिलरिटी इसमें लग रहा है। उसके बाद ये हो जाएगा पी क्यू अपान पी ठीक है। अब देखिए इसमें पी वाई हमको मालूम है, पी वाई कितना है ये है आपका 4 के बराबर है, और पी जेड कितना है यहाँ पे 3 के बराबर है, तो 4/3 इक्वल टू पी क्यू जो है ना वो 6 के बराबर है। यहाँ पे पी अपने को चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पी इक्वल टू हो जाएगा आपका पी इक्वल टू 6 × 3 डिवाइडेड बाई 4 ठीक है। तो 2×2 = 4 और 2×3 = 6, ये हो गया 9/2। अब 9/2 कितना होता है, ये होता है 4.5 सेंटीमीटर ठीक है। तो हमको ये पी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर।